स्पेशली जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनको इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप जो पार्टनर से मिलता है क्या कोई जिससे जिसके प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं उनसे मिलता है, इसमें काफ़ी सारी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है कभी कभी, स्पेशली रोमांटिक सिचुएशंस में हम किसी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो हमें वो अट्रैक्शन वापस नहीं देते और ये रिजेक्शन काफ़ी बहुत बार होते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं हेल्प करने के लिए कि रिजेक्शन से हैंडल करने के लिए। जहाँ हम इमोशनल एंड पे स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप रिजेक्शंस को भी बेटर हैंडल कर पाओ। जहाँ आपका सेल्फ एस्टीम बेटर होगा वहाँ आप रिजेक्शंस को बेटर हैंडल कर पाओ। सो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है इस पूरे फेज में। जैसा आपने की कहा सेल्फ एस्टीम बहुत अफेक्ट होता है जो आपके आस पास के लोग हैं उनकी वजह से, और उसके साथ में आप खुद पे तो क्रिटिकल हो जाते हो, आप खुद भी तो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो। जब आप उन चीजों पे काम करते हो थेरेपी में, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में, तो धीरे धीरे आप अपने आप को और बेटर समझने लग जाते हो और रिजेक्शंस को भी बेटर हैंडल कर। तो जहाँ आपको दिख रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे चीजें खुद से नहीं आनी हो रही है, बेटर है आप प्रोफेशनल हेल्प। ओके, एंड अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहे तो वो कैसे एक ट्रांस फ्रेंडली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट ढूंढ सकते हैं? सो बेस्ट ये होगा कि आप जब किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कर रहे हैं उनको पहले ही क्लियरली पूछ लीजिए क्या वो कंफर्टेबल है ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने के लिए, और फिर उसके आगे अपना जिस तरीके से भी रिस्पांस आता है आगे प्रोसीड एक्सपेरिमेंट करने की बजाय कि वो भी कोशिश करें। बेटर है कि हमें पहले ही क्लैरिटी हो ताकि आपको जल्दी से जल्दी मदद मिले। एंड आई थिंक आल्सो कम्युनिटी से पूछे कि यू नो कौन है। अभी तो मुझे लगता है सारे कम्युनिटीज में ऑलरेडी वो फॉरवर्डेड है कि कौन कौन से हैं प्रोफेशनल्स जो कि फ्रेंडली है, तो उनको ही अप्रोच किया जाए। Yeah. I think I'm wrongly diagnosed with psychosis. So, what should I do to deal with it? Better hoga ek dusre professional ke paas jaye. Kis base pe ye diagnosis kis base pe hua pehle usko understand kar le. Agar jisse psychologist ke paas jayenge to wo proper aapke objective test jo hote hain jisse personality test ya aur diagnostic test karke wo clearly ek objective picture bhi de sakte hain ki psychosis hai ya nahi. Uske base pe psychiatrist jo hai aage further aapko madad kar sakte hain. Okay. Yeah, I think maybe second opinion काफी helpful रहेगा। Yeah, बिल्कुल।